10 साल हो गया सर। आज मजदूरों का दिन है तो कैसा लग रहा है आपको? ठीक है सर। तो कितना कमाते हो आप? 500 सर। तो गवर्नमेंट ने कोई स्कीम आपके लिए मजदूरों के लिए रखी है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं रखी है। तो होना क्या चाहिए? होना चाहिए सर कुछ, वो तो गवर्नमेंट ही बता सकता है कितना क्या देगा नहीं देगा। हमको क्या है सर, हम तो काम करते हैं, मजदूर हैं। क्या आपका गुजारा जो है घर का वो चलता है अच्छे से? चल रहा है सर, ऐसा बात नहीं है नहीं चलता है, चलता है लेकिन थोड़ा बहुत परेशानी भी होता है, चलता भी है। जो आपके बच्चे बच्चे हैं वो स्कूल जा पाते हैं इन पैसों से? जो फी भी जो है वो जाता है? देखिए सर, स्कूल थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ा सकते हैं सर, ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि हम मजदूरी करते हैं, है ना। अगर पैसा होता तो घर में बैठे रहते, यहाँ पर काम करने के लिए बाहर से घर से बाहर क्यों आए? क्या आप चाहते हो गवर्नमेंट साहब, क्या चाहते हो आप, आपके बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? स्कूल का सुविधा होना चाहिए सर, हम लोग का रास्ता भी सड़क भी खराब है, बनता नहीं है, मतलब हम लोगों का गांव में सड़क बहुत ख़राब है, किसी जगह में पुल बनना चाहिए तो नहीं बनता है सर। हम लोग को मतलब जो कोई सामान ले जाते हैं ना तो बहुत दिक्कत से ले जाते हैं, ले जाने के लिए भी रास्ता ठीक नहीं है, लेकिन ध्यान नहीं देता है सर बहुत। कश्मीरों का व्यवहार आप लोगों के साथ कैसा है? ठीक है सर, अच्छा है, इसीलिए तो आप आते हैं सर। अगर कश्मीरी लोग हमसे बुरा बर्ताव करता है तो हम लोग नहीं आ सकते बाहर। पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, अच्छे स्कूल होने चाहिए, कपड़े लत्ते होने चाहिए, और क्या चाहिए? कितनी दिहाड़ी बनती है आपकी पूरे? 400-450 दिहाड़ी मिलती है। उससे आपका गुजारा नहीं होती है? आप क्या चाहते हो? बस हम यही चाहते हैं बच्चों के लिए तजुर्बा होना चाहिए, स्कूल होने चाहिए, कपड़े लाते होने चाहिए, खाना खुराक होना चाहिए, समय से बच्चों को स्कूल मिलनी चाहिए। क्या मजबूरी है जो आप बाहर से यहाँ पे मजबूरी करने हैं? मजबूरी ये है कि हमें समय से घर पे बच्चों के लिए सब सुविधा एक्टिवेट नहीं हो सकती है, इसीलिए हम बच्चों के लिए मजदूरी करने के लिए आए हैं कि ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रह सकें, उन लोगों को कोई बच्चों की कोई प्रॉब्लम ना हो, माँ बाप हैं बूढ़े हैं उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो।